नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यास तूफान का अगले एक से दो दिनों तक रहेगा असर। पटना एम्स में हुआ 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ शुरू। बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के मिले 265 नए मामले। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे हो रहा कम। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। यास तूफान का अगले एक से दो दिनों तक रहेगा असर। बंगाल की खाड़ी में उठे यास तूफान ने बिहार में प्रवेश करने के साथ ही आम जनजीवन के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दिया है। बीते दिन जहां अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, वहीं आज भी बारिश थम नहीं रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक से दो दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश हालांकि तूफान के धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने के कारण इसका असर बिहार में थोड़ा कम होगा। वहीं दूसरी तरफ आंधी बारिश के कारण जगह जगह पेड़ टूटने व जल जमाव होने की भी खबर है। पटना सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं बीते दिन तूफान के कारण वायु, रेल व सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ और नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है। फिलहाल पटना के अलावे भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, गया, कटिहार सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। पटना एम्स में हुआ 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। पटना एम्स में आज से 2 से 18 साल तक के बच्चों पर को वैक्सीन के डोज का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके तहत ट्रायल का पहला और दूसरा चरण साथ साथ चलेगा। इसके लिए एम्स ने दोनों चरणों के ट्रायल के लिए करीब 80 बच्चों का लक्ष्य रखा है। पहले चरण के ट्रायल में बच्चों को पहले डोज देने के 28 दिन के बाद दूसरे डोज की खुराक दी जाएगी। इसके तहत अस्पताल प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों के ट्रायल करवाने की अपील की है। जो अभिभावक बच्चों पर ट्रायल करवाना चाहते हैं वे 9471408832 पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत बच्चे की पूरी मेडिकल जाँच होने के बाद ही उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। साथ में बच्चे का आधार कार्ड या फिर स्कूल का आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज लाना होगा। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसके माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड लाना होगा। इसके साथ ही एम्स प्रबंधन की तरफ से अभिभावक को आने जाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 700 रुपए भी दिए जाएंगे। तो नदी में छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक पानी। एक तरफ यास तूफान के कारण तेज बारिश की वजह से नदियां यूं ही उफान पर है। इस बीच आज झारखंड के भीम बराज से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी सोन नदी में छोड़ दिया गया है। आपको बताते चले कि भीम बराज के 40 में से 35 फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे यह पानी इंद्रपुरी बराज पर आज देर शाम तक पहुंच जाएगी। बराज का लेवल मेंटेन करने के बाद इस पानी को सोन नदी में बहा दिया गया है, जिसके कारण जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए बिहार के तटीय इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सोन डीला पर रहने वाले लोगों को वहां से हटकर सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इंद्रपुरी बराज पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। यास तूफान ने सूबे के कई जिलों में कर दी बिजली गुल। यास तूफान ने बिहार में प्रवेश लेने के साथ ही यहां की प्राकृतिक व मानव निर्मित संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था पर बुरा असर दिखा। इसके तहत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बड़ी क्षति पहुंची है। आंधी के कारण जहां पेड़ बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था कई जिलों में बाधित रही। वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर बिहार में बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ध्वस्त होने से कई जिलों में मामूली बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। वहीं मांग में कमी आने से एनटीपीसी के 5 बिजली घरों को 8 यूनिट को बंद करना पड़ा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। इसके तहत बाढ़ और बड़ौनी बिजली यूनिट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि कांटे के 2 यूनिट को भी बंद करना पड़ा है। वहीं नवीनगर बिजली घर को आधी क्षमता पर चलाया जा रहा है। इसके अलावे फड़क्का और तालचर की एक एक यूनिट को भी बंद करना पड़ा है। बता दें कि बिहार में अमूमन 5500 मेगावाट बिजली की मांग रहती है, जो कि घटकर कल 1250 मेगावाट पर पहुंच गई थी। राजधानी पटना में भी कई हिस्सों में 3-4 घंटे बिजली बाधित रही। पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ शुरू। यास तूफान को देखते हुए गुरुवार की शाम पटना एयरपोर्ट पर 6:30 बजे के बाद से विमानों के परिचालन को पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह 9 बजे से फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि यास तूफान के कारण पटना में कल दिन और रात भर मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी चलती रही, जिसके बाद कल 33 जोड़ी विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। इसमें कोलकाता, भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। वहीं एयरपोर्ट निदेशक भूपेश चंद्र नेगी ने बताया कि आज सुबह 9 बजे से पटना एयरपोर्ट को खोलने के बाद अब विमानों का परिचालन होगा। फिलहाल अभी भी राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश हो ही रही है, लेकिन हवा की रफ्तार कम है, जिस कारण से विमान सेवा को बहाल कर दिया गया है। बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के मिले 265 नए मामले। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से दिख रहे हैं। इसके तहत बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के 265 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि लगभग 100 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। इस दौरान ताजा रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में ब्लैक
फंगस के 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की जान भी ब्लैक फंगस से चली गई है। पटना एम्स में फतुहा के 1 व्यक्ति, जबकि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी ब्लैक फंगस से 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। राज्य में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती है। यहाँ 99 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि पटना एम्स में 67 मरीज एडमिट है। वहीं पटना के निजी अस्पतालों में लगभग 74 मरीज इलाजरत है। वहीं PMCH में 4 एक्टिव मरीज है, जबकि बाकी के मरीज राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में इलाजरत है। सुशांत सिंह राजपूत की बरसी से पहले ही सुर्खियों में बनी रिया चक्रवर्ती। अगले महीने 14 जून को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने का 1 साल हो जाएगा। सुशांत की मौत के बाद से चर्चाओं में आई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था, मगर उन्हें बाद में कानूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद जमानत भी मिल गई थी। वह एक बार फिर सुशांत की बरसी के कुछ दिन पहले रिया फिर से सुर्खियों में बन गई है। इस बार वे अपनी पोस्ट की वजह से चर्चा में शामिल हुई है। लंबे समय बाद रिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ अपने दिल की बात शेयर की है। रिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट किया, जिसमें लिखा हुआ है कि बड़े दर्द से बड़ी ताकत मिलती है, बस आपको भरोसा करना होगा, वहां रुकना पड़ेगा, लव रिया। वहीं कैप्शन में रिया ने हैशटैग में लिखा है #reality। तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुआ यूपी बिहार को जोड़ने वाला जयप्रभा सेतु। चक्रवाती तूफान यास के असर से बुधवार से ही यूपी और बिहार के कई जिले में तेज आंधी बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगह सड़क के धंसने की भी खबर है। इस बीच जयप्रभा सेतु का एक किनारा धंस गया है, जिसके कारण इस पुल से होकर जाने वाली गाड़ियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुल का यह हिस्सा यूपी के बलिया जिले के अंतर्गत पड़ता है, जहां तेज बारिश के कारण अप्रोच सड़क धस जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं पुल के किनारे दरारें भी दिख रही हैं। बताते चले कि करीब 1 साल पहले इस पुल की मरम्मत की गई थी, लेकिन मरम्मत के 6 महीने बाद ही यूपी और बिहार के दोनों मुहाने पर रोड किनारे की सड़क टूटने लगी थी। जानकारी हो कि छपरा पटना मार्ग से पुल के जरिए यूपी पहुंचने वाली यह सड़क हाजीपुर गाजीपुर के नाम से जाती है। इस पुल से होकर ही इस इलाके के लोग बलिया, गाजीपुर और बनारस जाते हैं। रक्सौल में कोरोना मरीज ने छत से कूद कर दी अपनी जान। कोरोना बीमारी का एक बुरा साइड इफेक्ट यह भी है कि इससे कई मरीज डिप्रेशन में आ रहे हैं। वहीं डिप्रेशन में आकर पीड़ित कई बार खुद की जान को नुकसान पहुंचा देते हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल का है, जहां डंकन अस्पताल में बने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की 3rd मंजिल से कूद कर एक मरीज ने जान दे दी है। जानकारी के मुताबिक पलनवा थाना क्षेत्र के पिपरिया गाँव के रहने वाले रामशरण साह कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 20 मई को इलाज के लिए डंकन अस्पताल में भर्ती हुए थे। वहीं गुरुवार की शाम में उनके पिता के द्वारा देकर अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मरीज ने अस्पताल की 3rd मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पीड़ित अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिप्रेशन में था और वह घर जाना चाहता था। हालांकि अस्पताल प्रशासन मरीज के सुसाइड करने की बातों से इनकार कर रहा है। वहीं मामले में प्रशासनिक टीम जांच में जुट गई है। अस्पताल की व्यवस्था पर राजद के आरोपों का जदयू नेता ने दिया जवाब। बिहार में विपक्षी पार्टियां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को निशाने पर ले रही है, जहां एक तरफ बीते दिन RJD सुप्रीमो ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर दी थी, वहीं अब जदयू के नेता सरकार और मुख्यमंत्री के बचाव में उतर गए हैं। इसके तहत जदयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू को घोटाला शिरोमणि बनाकर निशाना साधा है और अस्पतालों की बदहाली पर सवाल उठा रहे RJD पर हमला बोलते हुए उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अब न्याय से पुरस्कृत घोटाला शिरोमणि भी लाठी के बजाय कलम और डॉक्टरों को बिहार से भगाने के बदले स्वास्थ्य सेवा की बात करने लगे हैं। यही है नीतीश इफेक्ट। 18 प्लस वालों के लिए टीकाकरण में बिहार के नंबर 1 आने पर मंगल पांडे ने दिया बयान। देश भर में 18 प्लस वालों का कोरोना वैक्सीनेशन चलाने के आज करीब महीने भर पूरे होने के हैं। वहीं बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा अभियान को शुरू करने में देरी हुई थी, मगर अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में बिहार में टीकाकरण की रफ्तार देश भर में सबसे तेज है। इससे पहले राजस्थान टीकाकरण में पहले पायदान पर था, लेकिन अब राजस्थान को पीछे छोड़ बिहार पहले पायदान पर आ गया है। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि इसका श्रेय बिहार के युवाओं को जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अब उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं कि 18 प्लस वालों के टीकाकरण में इस वक्त बिहार देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि चाहे इलाज का मामला हो या फिर जांच का मामला हो, बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे है। कपिल देव ने कोहली को दिए टिप्स। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने WTC और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया को धैर्य के साथ खेलने की बात कही है। मिड डे अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कपिल ने कहा कि भारत को सेशन के हिसाब से खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम मिनटों में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि भारत एक बेहतर बल्लेबाजी टीम है, वे परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं यह महत्वपूर्ण है। गेंदबाजों ने हाल के दिनों में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बल्लेबाजों की गुणवत्ता फाइनल में देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कोहली को कुछ टिप्स भी दिए और कहा कि कोहली से
बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करता हूं। मैं उसे अति आक्रामक होने के लिए सावधान करूंगा। वह थोड़ा धैर्य के साथ अपनी रन बनाए। इंग्लैंड में आपको गेंद की गति को देखने की जरूरत है। अगर आप सीम खेलते हैं और अच्छी तरह से स्विंग करते हैं तो धैर्य दिखाएं, आप इंग्लैंड में सफल होंगे। अब आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स छुपा सकते हैं अपने लाइक्स। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं को फेसबुक इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट पर लोगों द्वारा किए गए लाइक्स की संख्या छिपाने की सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि हम लोगों को उनके अनुभव को नियंत्रित करने की सुविधा देने की जुड़ी उसकी कोशिशों का हिस्सा है। इस बाबत फेसबुक का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमने लाइक्स की संख्या छिपाने जैसे परीक्षण किए ताकि हम यह देख सकें कि क्या यह इंस्टाग्राम पर लोगों के अनुभव को दबाव से मुक्त कर सकता है, जिसके तहत दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर अब हर व्यक्ति अपने सार्वजनिक लाइक्स की संख्या छुपा सकता है ताकि वह इस बात का फैसला कर सके कि उसके लिए कौन सा विकल्प सही है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे हो रहा है कम। देश भर में कोरोना के रोजाना मामलों में आ रही कमी एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 179,770 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,558 लोगों की जान गई है। वहीं इस दौरान 24 घंटे के दौरान 264,312 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं, जिसके बाद देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,38,558 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 2,568 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 5,015 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कुल एक्टिव केस 28,447 हो गए हैं। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 95.24% हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के इलाकों में यास तूफान के असर से क्या क्या नुकसान देखने को मिला। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।